नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, एक व्यक्ति जो हिंदू है टीका लगाता है, गमछा पहनता है, तिलक लगाता है, धर्म में हिंदू है लेकिन चलता जमियत के पद पे है। मैं बात कर रही हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य की। एक सस्ता राजनेता, सस्ती पॉलिटिक्स करने वाला राजनेता जो समय समय पर इस तरीके के बयान देता है ताकि थोड़ा सुर्खियों में आ सके, लोगों को बता सके कि मेरा भी कोई वजूद है, मैं भी कहीं एग्जिस्ट करता हूं। और इस बार वो काम उन्होंने अच्छे से कर दिया है, हर बार करते हैं, इस बार भी बहुत अच्छे से किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंदिरों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद वह चर्चा में तो आ गए हैं, लेकिन आज उन्हीं के इस बयान को आधार बनाकर थिंक टैंक के माध्यम से मैं प्रेरणा शर्मा स्वामी प्रसाद मौर्य को आड़े हाथों लूंगी और स्वामी प्रसाद मौर्य को घनचक्कर बनाएंगे उन्हीं के दिए हुए बयान के अंदर। किस तरीके से झूठे इतिहास को साक्षी बनाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू मंदिरों पर एक बड़ा बयान दिया है। बात करेंगे प्रशांत भूषण के बारे में। प्रशांत भूषण ने किस तरीके से एक घटिया व्यक्ति और मानसिकता वाले व्यक्ति का बढ़ चढ़कर साथ दिया है और औकात याद दिलाएंगे प्रशांत भूषण को उनकी कि वो है क्या। बात करेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम की, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर, जिन्होंने इस पूरे बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बखियां उधेड़ दी हैं और उन्हें उनकी हैसियत याद दिला दी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज इस वीडियो में बात इतिहास की होने वाली है और बात चली है तो बात लंबी जाएगी और बात लंबी जाएगी तो कई लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक मंच पर खड़े होकर एक बयान दिया। वो बयान कुछ इस प्रकार था। पहले तो मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगी, आप इस बयान पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में यस और नो लिख के जरूर बताना है आपको। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि मस्जिद का यदि सर्वे हो रहा है, मस्जिद का निरीक्षण हो रहा है कि वहां पहले मंदिर तो नहीं था, क्या मंदिर को तोड़कर मस्जिदें तो नहीं बनवाई गई हैं, तो इस व्यक्ति के दिल को चोट लगी। ये जमियत के पथ पर चलने वाला व्यक्ति, इसको अंदर से बहुत बुरा लगा और इस व्यक्ति ने कहा कि आप ये जांच कर रहे हैं तो ये भी जांच करिए कि कितने बौद्ध मंदिरों को तोड़कर हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के ये बयान है। अब इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, क्या आपको लगता है कि बौद्ध मंदिरों को तोड़कर हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया गया है? आप जवाब दें, उससे पहले मैं बता देती हूं कि हां, कराया गया। डंके की चोट पर बोलते हैं कराया गया है, लेकिन 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 किन स्थितियों में कराया गया, किस तरीके से कराया गया, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी एक एक करके। और स्वामी प्रसाद मौर्य की नसों में जो इंजेक्शन लगे हैं, एक तरफ बुद्धिस्ट का इंजेक्शन लगा है, एक तरफ हिंदू विरोध का इंजेक्शन लगा है और एक तरफ उनके जिस्म में जमियत का इंजेक्शन लगा हुआ है। हालांकि मानते वो किसी को नहीं है, लेकिन इंजेक्शन ठूस ठूस के लगा हुआ है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं बता देती हूं आज देश में क्या चल रहा है। आज देश में धर्मांतरण की एक बहुत बड़ी गैंग एक्टिव है। लोग इन्फ्लुएंस होकर सिख धर्म में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस होकर मुस्लिम धर्म में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ठीक ऐसा एक समय हमारे भारत में आया कि लोग बौद्ध धर्म में इस लेवल तक कन्वर्ट हो गए कि आधी से ज्यादा आबादी बौद्ध धर्म की तरफ चली गई। अब जब ऐसा समय आया तो हमारे आदि शंकराचार्य जी, जिनके जैसा हिंदू स्कॉलर ना आज तक हुआ है ना कभी होगा, हो जाए तो हमारे भाग्य है लेकिन नहीं होने वाला है, वो अकेले थे। तो आदि शंकराचार्य जी ने अपने तर्कों के आधार पर लोगों को हिंदू धर्म के बारे में बताया और उनकी घर वापसी करवाई बहुत बड़े पैमाने पर। और जब लोगों की घर वापसी हो गई तो आप इमेजिन करिए, मैं किसी अनेक गुरु को मानती हूँ, किसी भी गुरु को मानती हूँ मैं, कल को मेरे बच्चे होते हैं, उन गुरु की भी डेथ हो जाती है, तो मेरे बच्चे जरूरी नहीं है कि उन गुरु को माने, उनकी आस्था बदल गई, उनकी श्रद्धा बदल गई, तो मेरे घर में रखी हुई वो तस्वीरें या तो वो पानी में जल प्रवाह कर देंगे या फिर वो मिट्टी में गाड़ देंगे। तो ठीक ऐसा ही उस समय हुआ। उन्हीं बौद्ध लोगों ने जो पहले हिंदू थे लेकिन बहुत किसी चीज के इन्फ्लुएंस में आके, प्रभाव में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और जब आदि शंकराचार्य जी के द्वारा उन्हें समझाया गया तो उन्होंने घर वापसी करी। और जैसे ही उनकी आस्था बदल गई, श्रद्धा बदल गई, तो जो हिंदू जो बौद्ध मंदिरों का निर्माण उन्होंने खुद किया था, उन्हीं मंदिरों को खुद तुड़वा कर उन मूर्तियों को जमीन में गाड़ा और वापस वहां पर भगवान के मंदिर बनवा दिए, हिंदू भगवान, हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को बनवा दिया।
यही कारण है कि आज तमाम हिंदू मंदिरों की खुदाई होती है तो वहां से बौद्ध धर्म की मूर्तियां निकलती हैं। ये होता है, लेकिन इसके पीछे का जो कारण हम आपको बता रहे हैं, ये कारण वाकई सत्य है और इसका जिसको भी जस्टिफिकेशन चाहिए वो हमसे आके ले ले, इसका प्रमाण हम देंगे। आप कौन से घटिया इतिहास पढ़कर आए हैं? आप एनसीईआरटी की बुक पढ़कर आए हैं क्या? आप ऐसे ऐसे पुराण पढ़िए, ऐसे ऐसे इतिहास पढ़िए जहां पर इस बात की चर्चा भी की गई है। आप उन बुद्धिस्ट का इतिहास पढ़कर आए हैं जो वाकई बुद्धिस्ट है ही नहीं, वो लोग महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर नहीं चलते हैं, वो बौद्ध की शिक्षा पे नहीं चलते हैं, वो हिंदू विरोधी लोग हैं जिनका मकसद केवल हिंदू विरोध का है। वो ना बौद्ध धर्म को मानते हैं ना हिंदू धर्म को मानते हैं, वो बिन पैंदे के लोटे हैं, वो थाली का बैंगन है, जहां का पलड़ा भारी होता है वो वहां लुढ़क जाते हैं। आप ऐसे लोगों की बातों का ज्ञान सुनकर, ऐसे लोगों की बकवास सुनकर, ऐसे लोगों का इतिहास पढ़कर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की औकात क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य नोट और वोट की राजनीति करता है। वोट चाहिए, हिंदुओं का वोट मिलना नहीं है, हिंदुओं को खुश करना नहीं है, तो हिंदुओं के अलावा जितनी भी प्रजा, जितनी भी कौम है, जितने भी धर्म है, उन्हें खुश करना है, तो उन्हें खुश करने के लिए हिंदुओं के खिलाफ बोलना पड़ेगा। और यही स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के एक नेता है। लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं लिख के दे देती हूँ कि आप चुनाव वैसे भी नहीं जीतेंगे, आप चुनाव किसी हालत में नहीं जीतेंगे, तो इस तरीके की बयानबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। ये वही व्यक्ति है जिसका कहना था कि जो भी व्यक्ति भगवा रंग के कपड़े पहनता है वो आतंकवादी होता है। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य है जो रामचरितमानस में दी गई शिक्षा को गलत बताता है, उसे जलाने की बात करता है। और ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य है जो देश की एक बड़ी जिग्गज पत्रकार, दिग्गज पत्रकार रूबिका लियाकत के आगे बैठकर इतना सा मुंह लेकर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। मामला है एक टीवी डिबेट शो का, जब रूबिका लियाकत इनका इंटरव्यू ले रही थी और रूबिका लियाकत ने एक सीधा सादा सवाल पूछा कि ये प्रतियां रामचरितमानस की हैं, ये आपको अच्छी नहीं लगती हैं, आप इन्हें जलाना चाहते हैं? महाशय कहते हैं हाँ मैं जलाना चाहता हूं। वही रूबिका लियाकत ने एक और खास वर्ग के धर्म ग्रंथ की प्रतियां उठाई और कहा इनमें भी गलत चीजें लिखी है, क्या आप इन्हें जलाना चाहते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य बागड़ बिल्ले की तरह बैठा रहा और उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकली, क्योंकि उसे पता है हिंदू धर्म शांतिवादी है, शांतिपूर्ण है, सहिष्णुतावादी है, वो ज्यादा किसी से पंगे नहीं लेता, जब तक हिंदू शांत है शांत है। और वो ये भी जानते हैं कि यदि किसी खास धर्म के ग्रंथ के बारे में चूं भी जबान से निकाल दी तो उनकी गर्दन चौराहे पे लटकी मिलेगी, टांग किसी नाले में पटके मिलेंगे और शायद दिल का कहीं प्रदर्शन हो रहा। ये है, ये सच्चाई है, हम सभी ने देखी, ये है स्वामी प्रसाद मौर्य की सच्चाई। जो स्वामी प्रसाद मौर्य आज बैठ कर ये बयान दे रहे हैं, और वो प्रशांत भूषण जो इनके बयान की सराहना कर रहे हैं, जो बड़े खुश हो रहे हैं, आपकी क्या औकात है, आपकी क्या हैसियत है, आपको क्या लगता है ऐसे दो कौड़ी के नेताओं के बयान को आप जस्टिफाई करके, इनका समर्थन लेके आप चुनाव जीत जाएंगे? अभी दिल्ली दूर है, अभी बहुत दूर है, आप मत सोचिए कि इनका साथ देकर आपको कुछ फायदा हो जाएगा, नहीं होने वाला है, टेंशन ना लीजिए। लेकिन बात करें आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उसने बखिया उधेड़ दी है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही हमने उसका इतिहास भी बताया और हमने उसका कारण भी बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये क्यों कहा। चुनाव जीतने के लिए कहा, हिंदू बातचीत करते नहीं है, हिंदू वोट देते नहीं है, अन्य धर्म के वोट लेना चाहते थे वो इन्हें वोट देंगे नहीं क्योंकि ये बिन पैंदे के लोटे हैं, ना ये बुद्धिस्ट को ही मानते हैं, ना ये जमियत के पथ पे चलते हैं, हिंदू तो ये है ही नहीं, ये केवल वोट की राजनीति करते हैं, इनका मकसद केवल अपनी जेबें भरना है। लेकिन अब ऐसे दो कौड़ी के लोगों को, ऐसे सस्ते राजनेताओं को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिन में तारे दिखा दिए हैं।